मोदी सरकार के देश में दो दुश्मन हैं। एक देश का नौजवान जिसे ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं, जिसे ये पीटना चाहते हैं, और दूसरा देश का किसान। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये देश के नौजवानों और देश के किसानों के पीछे पड़ गए हैं। नौजवानों को आप नौकरी नहीं देना चाहते हो, किसानों को आप कोई मदद नहीं देना चाहते हो। एक के बाद एक आपके फैसलों से किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता आया। आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद में किसान आत्महत्याओं में बार बार उछाल आया। आपने ये बताना ही बंद कर दिया कि देश में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप भूमि अधिग्रहण बिल लेके आते हो, जिससे आप ये फैसला करते हो कि भैया देश के उद्योगपति किसी भी गरीब की, किसान की, मजदूर की, आदिवासी की जमीन पर अवैध कब्जा कर सकते हैं। आप खाद के कट्टों के ऊपर भी GST लगाने का काम करते हो, और अब तो आपने हद कर दी। कोरोना महामारी को आपदा में अवसर बनाने की बात जो लोग करते हैं वो बिल्कुल 100% सत्य है। कोरोना महामारी को अगर अवसर किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। आपने PM केयर के नाम पे हजारों करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया। वो पैसा कहाँ लगाया? किसी किसान को दिया हो, किसी नौजवान को दिया हो, किसी को कोई नौकरी दी हो, किसी को नहीं पता। आपने कोरोना महामारी के दौरान रेलवे का निजीकरण कर दिया कि भैया जो रेलवे है वो भी जो है निजी हाथों में बेच दो। आपने कोरोना महामारी के दौरान सारे ऐसे बिल एक के बाद एक आप लेके आ रहे हो, सारे ऐसे फैसले एक के बाद एक आप कर रहे हो, जिससे आप नौजवानों की और किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हो। कोरोना महामारी के दौरान आप एक ऐसा बिल लेके आते हो जिस बिल से पहली बात तो किसान को कहीं भी जो MSP होता है, आप पता कर लीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को अगर कहीं मिल रहा हो, आपको ये इंश्योर करना चाहिए था, उस पर काम करना चाहिए था कि भैया सरकार जो न्यूनतम दर तय करती है वो दर कम से कम किसानों को मिलने लगे। वो दर नहीं मिलती है मोदी जी, जाके कहीं पता कर लीजिए, वो दर भी आपने ख़त्म कर दी। थोड़ा सोचिए, ये अन्नदाता है, इसका थोड़ा सम्मान कीजिए, इसके थोड़ा साथ में खड़े होइए, इसको और दबाइए नहीं तो ये टूट जाएगा। थोड़ा इनकी मदद कीजिए, ये ऐसे तुगलकी फरमान अपने नहीं लाइए, इस फैसले को वापस ले लीजिए।